हेलो एवरीवन, फेस्टॉक में आपका स्वागत है। मैं शम्स। आज हम जानेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में। आज ही रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर फ्रेंच कंपनी ने, फ्रेंच एक न्यूज चैनल ने उन पे एलिगेशन लगाया है। तो चलिए वो जानते हैं कौन सा वो एलिगेशन है जिसके वजह से रिलायंस कम्युनिकेशन को और ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। सो वो आर्टिकल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आर्टिकल मैंने अपने वेबसाइट पे भी डाला है, fastalk.in पे जाके आप वो आर्टिकल पढ़ भी सकते हैं। वहाँ पे मैंने डिटेल्स में वो कंटेंट मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। सो जो फ्रेंच की न्यूज़पेपर है ले मॉन्डे की रिपोर्ट के बेसिस पे अगर हम देखें तो अनिल अंबानी कंपनी को टैक्स रिबेट मिला है ड्यू टू राफेल डील की वजह से। जो राफेल डील हो रहा था उस दौरान 2015 में अनिल अंबानी कंपनी की जो सब्सिडी कंपनी है फ्रांस में, उसे टैक्स रिबेट मिला है। बहुत ज़्यादा ह्यूज टैक्स रिबेट मिला है, समथिंग अराउंड 143.7 मिलियन यूरो में उनको टैक्स रिबेट मिला है। अगर हम उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखें, इंडियन करेंसी के बेसिस पे अगर हम उसको देखें तो वो होता है 1,125 करोड़। तो चलिए एक बार ये स्टॉक को थोड़ा सा फर्दर एनालिसिस करके देखते हैं। अगर आप इस स्टॉक को देखें, वन वीक से कॉन्स्टेंटली एक लोअर सर्किट लग रहा है, इसमें लोअर सर्किट के साथ साथ ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली नीचे गिर रहा है। अगर वन मंथ का भी आप इसको अगर एनालाइज करके देखें तो देखिए कॉन्स्टेंटली नीचे गिर रहा है। अगर ईयर टू डेट देखें, आप देखिए किस प्राइस पे था, 14 रुपये से आज के डेट में देखिए ये 2 रुपये के आसपास आ चुका है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 8 टाइम्स, 8 टाइम से भी ज़्यादा इसमें करेक्शन हो चुका है। अगर 1 साल 3 साल का भी अगर हम इसमें देखें तो ये कॉन्स्टेंटली एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। 56 से आज 2 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अल्टीमेटली स्टॉक कहीं से भी अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे भी स्टॉक अच्छा नहीं है और ना ही छोटे टाइम फ्रेम के लिए स्टॉक बहुत अच्छा रहा है। तो कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव ट्रेंड में रहा है। और अगर इसकी फर्दर हम देखें तो इस स्टॉक की, तो इस स्टॉक में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बहुत अच्छी नहीं है, 53% के आसपास है। बाकी इसमें जो होल्डिंग है म्यूचुअल फंड की भी बहुत कम है, 0.38% है। और अदर DIIs जो अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनकी है 0.41%, इंश्योरेंस कंपनी के 6.39% है, जो फॉरेन कंपनी का इन्वेस्टमेंट है वो है 8.42% और नॉन इंस्टीट्यूशनल जो है 31% है। जो रिटेलर हैं उनकी 31% रिटेलर इन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर मैं इसकी टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो ये स्टॉक के अंदर बहुत रेयर ही इसके अंदर बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ है। अभी अगर यहाँ पे देखें 2018 अगस्त के आसपास इसके अंदर एक बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ था, राइट, कॉन्स्टेंटली डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ था, लेकिन वो भी सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पे फिर वापस से बुलिश बेयरिश सिग्नल इसके अंदर आ गया और स्टॉक वापस डाउन ट्रेंड में चला गया। और ये देखिए कॉन्स्टेंटली एक एक दिन में स्टॉक ने 50% तक नेगेटिव रिटर्न दिया है एक एक दिन में। तो अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख रहे हैं तो बेस्ट है कि आप इसको थोड़ा थोड़ा करके एग्जिट कर जाए तो वही बेस्ट है, अदरवाइज आप इसमें नेगेटिव रिटर्न ही बुक करते रहेंगे। तो आपको अगर थोड़ा बहुत कभी भी इसके अंदर थोड़ी बहुत पॉजिटिव दिखता है तो थोड़ा थोड़ा करके आप एग्जिट कर जाए तो ही बेटर है। अगर इस स्टॉक की हम फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको एनालाइज करके देखें तो मार्केट कैप बहुत अच्छा नहीं है, 746 करोड़ है। बुक वैल्यू इसकी 14 रुपये है, तो बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है, 2.70 पे ट्रेड कर रहा है, तो बहुत नीचे जाके ट्रेड कर रहा है। वैसे अगर देखी जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बुक वैल्यू से अगर हाफ प्राइस पे भी मिलता है या बुक वैल्यू प्राइस पे भी मिलता है तो लोग बाय कर लेते हैं, लेकिन ये वैसा स्टॉक नहीं है कि जो बुक वैल्यू प्राइस पे अगर आपको मिले या उससे कम पे मिले तो आपको बाय करनी चाहिए। तो कॉन्स्टेंटली हमेशा ही ये स्टॉक नेगेटिव न्यूज़ में रहता है। और ख़ास करके अनिल अंबानी की अगर बात की जाए तो जैसे एक स्टॉक ओनर जो प्रमोटर होते हैं उनकी एक गुडविल भी मायने रखती है मार्केट में। सो जैसे दो भाई हैं मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, तो अनिल अंबानी की हमेशा गुडविल गेस्चर जो रही है वो बहुत अच्छी नहीं रही है। चाहे आप रिलायंस कम्युनिकेशन की ले लो, आप रिलायंस रियल एस्टेट की ले लो या रिलायंस इंफ्रा की ले लो, जो भी जितनी अदर कंपनी है सब में आप अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड ही रहता है, बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड नहीं रहता है। तो इसमें अगर आप यहाँ पे देखें
एक पॉजिटिव में है ये कंपनी। एक पॉजिटिव न्यूज़ इसमें क्या है कि प्रॉस मार्केट वैल्यू से बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये एक प्रॉस हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं है। अगर हम कॉस में देखें तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारे फेवर में है कि जो उसको हम ना लें। तो ये इतनी सारी पॉइंट्स हैं जिस जो हमें बता रही है कि इस कंपनी को हम ना लें। प्रमोटर की स्टेक डिक्रीज हो रही है, कंपनी डिलीवर पुअर ग्रोथ -25% ओवर 5 साल से नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, कंपनी लो रिटर्न इक्विटी -4.3% 32% लास्ट 3 ईयर से है, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज कंपनी के अंदर लाइबिलिटीज बढ़ रही है, कंपनी माइट बी कैपिटलाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट, प्रमोटर है प्लीज 30% ऑफ देयर होल्डिंग्स, प्रमोटर्स भी अपनी होल्डिंग प्लीज करें। और यहाँ पे अगर हम इसकी देखें तो करेंट मार्केट प्राइस इसकी नेगेटिव है। और यहाँ पे देखिए जितनी भी कंपनीज हैं इस सेक्टर में, तो ये शायद एक ही कंपनी है जो टाटा टेलीकॉम को बीट कर रहा है, अदरवाइज बाकी सबसे नीचे चल रहा है। और अगर इसका हम क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर रिजल्ट आप अगर देखेंगे कॉन्स्टेंटली नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। और अगर हम एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो कहीं पर भी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिख रहा है। थोड़ी बहुत मार्च 15 के आसपास थोड़ी बहुत एक मोमेंटम आ रही थी, उसके बाद वापस देखिए ड्रास्टिकली इसके अंदर चेंजेस आया है। तो अब आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट नेगेटिव है, बाकी सारी नेगेटिव है, ना कंपाउंड सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में है, ना कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में है, ना रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव में है। तो अल्टीमेटली ये स्टॉक कहीं से भी मुझे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस स्टॉक को बाय करें। और खास करके जब इस ये इतने सारे एलिगेशन इस पे लग रहे हैं, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के अंदर अगर ये स्टॉक आ रहा है, तो बेस्ट है कि आप अगर बहुत ज़्यादा बल्क में आपने बाय किया है तो थोड़ा थोड़ा करके आप एग्जिट कर सकते हैं, और या फिर जब भी इसके अंदर थोड़ा बहुत चांसेस दिखता है आप थोड़ा थोड़ा करके एग्जिट करके निकल सकते हैं, या फिर लमसम भी अगर आप एग्जिट करके निकलना चाहें तो निकल सकते हैं। तो इसके अंदर अभी फिलहाल कोई फ्यूचर नहीं दिख रही है स्टॉक के अंदर, तो बेस्ट है कि आप इससे एग्जिट ही कर जाएं तो बेहतर रहेगा। और अभी तक आपने अगर मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाले टाइम में अपलोड की जाएगी, जिसकी आप बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैंने स्मॉल कैप का एक वीडियो ये अपलोड किया है, तो आप ये देख सकते हैं, टॉप स्मॉल कैप की टॉप 10 मैंने लिस्ट शेयर की है, तो उसमें आप देख सकते हैं। और टॉप मैंने मिड कैप का स्टॉक शेयर किया है मैंने, और लार्ज एंड मिड कैप की भी मैंने टॉप 10 शेयर की है आपके साथ, तो ये भी आप देख सकते हैं। टैक्स सेविंग रियलिसिस फंड का भी मैंने शेयर किया है, जबकि ये टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है, लेकिन आप फिर भी अगर आप SIP मॉडल से अगर 1.5 लाख का आपका बनता है तो 12,500 रुपये मंथली अगर आप SIP करते हैं तो भी आपको एट द एंड में आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, औरों तक इसको शेयर कीजिए ताकि औरों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।